देसी घी में बन रहे पराठे। गुड़ की चाय भी आने वाली है हमारी अभी, और ऑमलेट पराठा हलवा पूरी के साथ गुड़ की चाय अलग ही सीन बना देगी। वाकई जो ब्रंच का टू एसेंस है ना, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। मिल जाएगा बिल्कुल। बिरयानी और नूडल्स वगैरह भी यहाँ पे है। हर किस्म हमारे पास, हाई टी केटरिंग भी होती है, डिनर वाली भी होती है, हम डेजर्ट में भी करते हैं। अच्छा, पूरा अच्छा सेटअप करके देते हैं। देसी ब्रेकफास्ट के अलावा हमारे पास अलाकार्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, जिसमें पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट्स और इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट का पूरा प्लेटर आता है। ये आया बटर का सॉस। वाह जी वाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जिया तबारक और भाई मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हुसाम और जुनेद, और हम जा रहे हैं ब्रंच करने के लिए कहाँ, JLT, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट तंदूरी बिस्ट्रो जिनका ब्रंच बहुत आला है, वहाँ पे उनका मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह सुबह का टाइम है, वीकेंड के ऊपर होता है ये ब्रंच, तो हमने कहा ज़रा एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, तो फिर चलें। भाई सुबह सुबह का माहौल है और हम पहुंच गए हैं JLT जुमेरा लेक टावर्स, और यहीं पे तंदूरी बिस्ट्रो रेस्टोरेंट, जहां पे मैं एक दफ़ा पहले भी आ चुका हूं, और किसी जगह पे जब हम दोबारा जाते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि वहां का टेस्ट इतना अच्छा है जो आपको दोबारा खींच खींच के लाता है। आज हम देखेंगे कि इनका ब्रंच कैसा है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास मेन्यू में पूरा ब्रंच, और यानी ब्रंच का मतलब है यही कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिक्स है, और इसमें हमारे पास है हलवा पूरी, चने आलू की तरकारी और पराठे, और अच्छा। इसके अलावा बिरयानी और सालन कोरमा, बारबेक्यू के आइटम्स हैं, आप आके खुद देख लें कितनी सारी चीजें हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो आपने तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया भाई मेरे। ये देखें आप, ये सैलेड रखा हुआ है, सबसे पहले तो चिकन रेशमी कबाब, चिकन बिहारी बोटी, चाउमिन, और यहाँ पे आ जाए तो ये हमारे ब्रेकफास्ट के आइटम हो क्या, गर्म गर्म फ्रेश फ्रेश चीजें बनी हुई है भाई। ये आ गई हमारी चिकन कढ़ाई, ये जो आप कह रही थी कि ये जी है, ये मैं हमने तो हमारे दोस्त है ना, ये भी आ गए। आप लोग आए पहले तंदूरी बिस्ट्रो पे के नहीं? यार आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, ये देख रहे हो भाई, ये दुबई में रह रहे हैं और मैं इन लोगों को जो है ना ये घुमा रहा हूँ। ये तो मतलब पराठे या पूरी वगैरह गरम गरम आएगी, तो हाँ जो पूरी और पराठे जब तक गरम गरम नहीं आए ना तवे से उतरे हुए, जब तक मज़ा नहीं आता, तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे, रहा नहीं जा रहा मुझसे भाई। ये बार देखा आपको, और दूसरा मेन्यू भी है यहाँ पे जी जी, हमारे देसी ब्रेकफास्ट के अलावा, देसी ब्रेकफास्ट के अलावा हमारे पास अलाकार्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, जिसमें पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट्स और इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट का पूरा प्लेटर आता है। पहले हम पहले जरा इससे इंसाफ कर लें, उसके बाद उसकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो पहले हम जरा ये देसी ब्रेकफास्ट कर लें। भाई बड़ी सी LED लगी हुई है यहाँ पे, और मैं एक साथ पहले यहाँ आया था डिनर पे, और वो जो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ LED के ऊपर, वो वीडियो चल रही है, देख लो भाई आपके भाई की वीडियो जो है ना, वो दुबई में भी चल रही है इस तरह से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ये भाई तंदूरी बिस्ट्रो का किचन है, और यहाँ पे जो है ना वो ब्रेकफास्ट ब्रंच का फुल सीन चल रहा है, पराठे बन रहे हैं, पूरियाँ बन रही हैं, सीन ऑन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पराठे बन रहे हैं यहाँ पे? कौन से वाले पराठे हैं? तवा पराठा। बहुत बड़ा पराठा लग रहा है मुझे, हैवी। देसी घी में बन रहे हैं पराठे? ये अपनी देसी स्टाइल वाली चाय, दूध पत्ती गुड़ वाली चाय। ओ गुड़ वाली चाय बन रही है भाई, ये जा रही है पूरी। जबरदस्त भाई जबरदस्त। साम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाईजान? ठीक है,
भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया और ये देखें, ये है प्रोफेशनल बाइकर। कोशिश ये आप देख रहे हैं, कॉस्ट्यूम चेक कर रहे हैं, 10 किलो की पैंट। कहाँ की बाइकिंग राइड का है? अभी तो जबरदस्त आ रहा है पहाड़ों पे। मैं भी इंशाल्लाह राइडिंग है ना, ट्रेनिंग लेके इन लोगों से शुरू करने का सोच रहा हूं। लाइसेंस स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। वैसे तो आप ये सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, आप जाएं जो जो आपको चीज़ चाहिए वो ले आएं, लेकिन हमने कहा कि भाई हमें ज़रा थोड़ी सी आप सेटिंग में दें तो अच्छा रहेगा। ओके भाई, सारी चीज़ें जो आपने देखी गुफे के अंदर लगी हुई हमारी टेबल के ऊपर आ गई हैं। कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं हलवा पूरी से। बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पे ये आई हुई है पूरी, पूरी लाइव, पूरी को हम करेंगे आधी आधी पूरी, आधी तेरी आधी मेरी, आधी मेरी। भाई बिस्मिल्लाह करें। मैं तो ट्राई करूँगा भाई कबाब से, क्योंकि मैं हूँ शौकीन आदमी बारबेक्यू का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई वाह, एक तो माहौल की बात होती है ना, तो ये जो माहौल है ना यार, मुझे बड़ा पसंद है। लेक के साथ गरम गरम आपको देसी नाश्ता मिल रहा हो तो और क्या चाहिए यार। बड़ी खस्ता करारी मज़ेदार हल्की पुल्की सी पूरी है। लाहौरी चने जो नाम है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि चने हैं ही असल में लाहौर के, और इस पूरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। हलवा भी क्योंकि जोड़ तो हलवा पूरी का उसके साथ ही बनता है ना। सुनील भाई कबाब कैसे हैं? बड़ा ज़बरदस्त है भाई कबाब, मुझे मज़ा आ गया। आप क्या खा रहे हैं? हम आमलेट खा रहे हैं भाई, आमलेट और पराठा। आमलेट और पराठा, ये हरा धनिया और हरी मिर्चों वाला जो हमारे घरों में जैसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ, बड़ा ही देसी आमलेट। हाँ, तशक्ति हो गई इसको खा के अभी। वाह जी वाह, आमलेट पराठा तीन ऑन है भाई। यार ये बारबेक्यू मुझे बहुत आरा लग रहा है वाकई। बहुत चटपटा मसाला है यार, मज़ेदार। चलो ट्राई करते हैं भाई, वाकई काफ़ी स्पाइसी है, मुंह में रखते ही पता चल रहा है चटपटा है, चटपटा चटपटा। चिकन कढ़ाई भी टेस्ट कर लेते हैं भाई। यार ये लाहौरी स्टाइल का तिल वाला जो है ना नान, बड़ा आला लग रहा है, और इसको मैं टेस्ट करूँगा कढ़ाई के साथ, चिकन कढ़ाई। क्या रिपोर्ट है? जैसी घर के स्टाइल की कढ़ाई होती है ना, वो पिशावरी स्टाइल वाली कढ़ाई नहीं है, लेकिन करी जिस तरह चिकन की होती है, टमाटर के साथ जो बड़ा ही अच्छी सी मज़ेदार कढ़ाई बनती है, वो कढ़ाई है। नान के साथ मज़ा दे रही है, वैरायटी इतनी है, समझ नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें ट्राई करें। वाकई जो ब्रंच का ट्रू एसेंस है ना, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, मिल जाएगा बिल्कुल। बिरयानी और नूडल्स वगैरह भी यहाँ पर है, इसको हम फिनिश करते हैं, उसके बाद जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, पैनकेक्स वगैरह, जिनके भाई ज़्यादा शौकीन है, वो भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ, वो भी अभी ट्राई करना है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ज़ाफ़रान की टॉपिंग भी है इस पे यार, ये देखो, ये हल्का सा जो ज़ाफ़रानी तड़का आ जाता है ना, माहौल बन जाता है। ओए होए, क्या रिपोर्ट है? नरम और मुलायम पिस्ते ज़ाफ़रान की टॉपिंग के साथ शीरे में डूबी हुई गुलाब जामुन। हाय हाय हाय, यार नक्शा खींचा भाई, कढ़ाई खाऊंगा कि गुलाब जामुन खाऊंगा। और ये है गुड़ की चाय। वाह जी वाह, गुड़ की चाय, दूध पत्ती। थैंक यू, प्रेजेंटेशन भी यार आला है। थैंक यू, गरम गरम गुड़ की चाय। चाय वाला है यार, चाय बहुत जबरदस्त, चाय आला है। चाय का सीन ऑन है, चाय पराठे का सीन है। चाय पराठा, चाय पराठा सबसे बेस्ट नाश्ता तो चाय पराठा है। दुबई है मल्टी नेशनल मल्टी कल्चरल सिटी, तो ऑब्वियसली देसी इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी ब्रेकफास्ट तो है ही, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स भी रहते हैं, और वैसे भी जो देसी लोग हैं उनको भी इस तरह की चीज़ें हमारे जैसे एहसान भाई हैं उनको बहुत पसंद है। फ्रेंच टोस्ट चेक करें यार आप,
नेक्स्ट लेवल का लग रहा है ये, बस इसको इधर ले आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है राइंगली। स्क्रैम्बल्ड एग्स, सॉसेजेस, हैश ब्राउन्स, बीन्स, वाह भाई वाह। बस तो आप लोग बातें करें थोड़ा, मैं इसको शुरू करता हूँ, आप लोग बाहर जाएं थोड़ा। हैश ब्राउन जो है ना ये ज़रा चेक करते हैं, क्या बात है। दिस इज न्यूट्रेला पैनकेक। ओहो हैश ब्राउन, बिस्मिल्लाह। सॉसेज अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ये जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है ये बुफे में नहीं है, ये अला कार्ट मेन्यू में है, ये आपको सेपरेटली ऑर्डर करनी पड़ेगी हर चीज़। ओए होए हो भाई, ये चेक करें आप, मलबरी पैनकेक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मज़ा तो आया होगा। आप भी गए आपको किसने रोका है? बस वही आ जाए भाई, अल्टीमेट मज़ा आ गया। ये जो तंदूरी बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है इसको ओपन हुए हुए एक साल हो गया है, और ये जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम मैंने इस रेस्टोरेंट के ऊपर अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी ये लॉन्च हुआ है, और ईच ब्रेकफास्ट की प्राइस है 20 दिरहम। तो ये एक साल की एनिवर्सरी के ऊपर ये लॉन्च हुआ है, तो आप लोगों को मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ भाई, और मैं ही इसकी इस ब्रेकफास्ट की इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग मस्ट ट्राई कीजिए ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ये बटर जो है ना सॉस, ओए होए होए होए, मज़ा आ गया भाई, खतरनाक मज़ा आ गया। अच्छा कोई भी चीज़ जो है ना वो ओवरली स्वीट नहीं है, हर चीज़ काफ़ी बैलेंस है, और सॉसेज और जो फ्रेशनेस है ब्रेकफास्ट की, और प्रेजेंटेशन भी टॉप नॉच, वेरी नाइस, अप्रूव्ड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अप्रूव्ड। चीज़ भी है भाई स्पेनिश ऑमलेट में, चीज़ यार ये तो ट्राई करने वाला आइटम है, मैं भी ज़रा एक। देसी तो है ही यहाँ पे, मगर साथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए मैं तो लाजमी फैमिली के साथ आऊँगा यहाँ पर, मज़ा आ गया भाई, स्पेशली फ्रेंच टोस्ट, स्पेनिश ऑमलेट, जबरदस्त। शाम भाई हमारी फूड में जब तक अंडा पराठा हलवा पूरी ना हो तो मज़ा नहीं आता, मगर इस चीज़ को खाने के बाद लग रहा है दुनिया थोड़ी बड़ी है। और भी चीज़ें ट्राई करने को। आशीष भाई इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शिकागो ओरिजिनली, और यहाँ पे पूरा ग्रुप आया है, पूरा ग्रुप टूर आया है यहाँ पे, तंदूरी बिस्ट्रो के ऊपर बुकिंग थी ऑलरेडी 30% की बुफे के लिए यहाँ पे। चले भैया, आप लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह जब मुझे लोग मिलते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज से, दूसरी दूसरी नेशनलिटीज़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंग्लिश ब्रेकफास्ट आके ज़रूर ट्राई कीजिए, बुफे तो यहाँ पे है ही। तैयारी हो रही है असम भाई? जी बिल्कुल मिलते हैं। ये वाले ग्लव्स भाई कौन सी है ये तो बता दो। ये कावासाकी 1000 SX, रॉकेट रॉकेट, क्या बात है, उर्फ रॉकेट। अच्छा भाई ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया, लेकिन तंदूरी बिस्ट्रो की एक जगह पे केटरिंग डेकोरेशन वगैरह चल रही है, तो हमने सोचा उसको भी ज़रा देख लें, आप लोगों को भी दिखा दें, और उसके बाद फिर लंच का भी प्लान है, तो पिक्चर अभी बाकी है। देखो हबीबी, ओहो असाम भाई भी टक्कर पे जा रहे हैं बाइक पे अपनी। तंदूरी बिस्ट्रो के पास ही एक रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे तंदूरी बिस्ट्रो की केटरिंग लगी हुई है, तो हमने कहा इसको भी विजिट कर लें और आप लोगों को भी दिखा दें, ताकि आपको भी अगर केटरिंग करानी हो तो आप करा सकते हैं। बड़ा अच्छा सा एक विला बना हुआ है, अंदर चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? ठीक जबरदस्त भाई, केटरिंग भी लगी हुई है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो बताएं ना क्या सीन है भाई केटरिंग का? हम लोगों ने केटरिंग तो खैर स्टार्ट की हुई है, और इसमें हम लोग हर किस्म, हमारे पास हाई टी केटरिंग भी होती है, डिनर वाली भी होती है, हम डेजर्ट में भी करते हैं, पूरा सेटअप करके देते हैं। तो हमारी एक क्लाइंट है जिन्होंने हमारा ये सेटअप करवाया है। कैसी हैं आप? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। क्या आज क्या तकरीब है? इट्स जस्ट अ कपल डिनर एंड बिकॉज़ लास्ट ईयर वी आई हैव डन द केटरिंग थ्रू देम एंड आई वेंट टू देयर रेस्टोरेंट वन डे एंड इट वाज द फूड वाज सो गुड
And then when I got to know that they do catering, so I said, okay, why not? So last year when I got it done, it was 150 people, yeah. And food was amazing. Everybody just loved the food. I would suggest live barbecue and the live stations, which the way they do and their service overall, garam garam lana, it's one of the best. So everybody should try once. So I had an amazing experience. So nice. What is in the menu today? Menu is mostly she knows best. Yeah, because I always tell her, please to me. Yes, you have to do it for me. So the menu is for today. They have three barbecue items, or inke paas biryani hai. Afghani pulao ka pehle inhone mujhse kaha, to Afghani pulao aur mutton kadhai hai. हम आप फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं तो मटन और कढ़ाई और कुछ दो तीन वेजिटेरियन आइटम्स. वेरी नाइस. तो भाई बहुत ज़बरदस्त एक सेटअप हुआ हुआ है यहाँ पे. आप देखें कितनी अच्छी डेकोरेशन भी है और फूड तो हम तंदूरी बिस्तरों का टेस्ट कर ही चुके हैं और यहाँ पे सेटअप भी इतना अच्छा हो तो फिर क्या ही बात है. आप भी अपने घर पर कराना चाहें तो तंदूरी बिस्तरों की केटरिंग डेकोरेशन सब कुछ अवेलेबल है ना भाई. बिल्कुल बिल्कुल. जबरदस्त. गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी के अंदर ये मोहितो तो बनता है ना. दुबई में गर्मी नहीं होगी तो फिर कहाँ पे होगी. बहुत आला सीन है भाई. और लंच का टाइम हो गया तो हमने सोचा लंच भी यहीं पे ऑर्डर कर दें. हमने मंगाई है बटेरे की कढ़ाई, बारबेक्यू प्लेटर, बटर चिकन, फुल मज़ेदार सीन है. और ये तो आला. ये देखें भाई, ये चल रही है लंच की तैयारी. है भाई लंच की तैयारी चल रही है जी. बारबेक्यू प्लेटर के लिए बारबेक्यू बन रही है. ओह मटन रिब्स भी है भाई, मटन चॉप्स. ये भाई बटेर की कढ़ाई बना रहे हैं शेफ यहाँ पे. शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर. बटेर कढ़ाई बिरयानी एंड अफगानी पुलाव दोनों आएंगे बारबेक्यू प्लेटर में. मटन रिब्स, वाह जी वाह, क्या प्लेटर बना यार. ये बटेर गई भाई कढ़ाई में. क्या नाम है आपका? आसिफ. आसिफ मोहम्मद. मोहम्मद आसिफ भाई आप कौन से शहर के हैं? मैं सर खुशाब जोराबाद पाकिस्तान पंजाब. अच्छा बिरयानी जा रही है पार्सल. जबरदस्त भाई जबरदस्त. सारी चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं यहाँ पे भाई. और अभी बस हम बैठते हैं, खाना आता है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं. शक्ल निकल आइए, शक्ल निकल आइए. है ये तो बहुत ही जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. नान, ये नान भी कोई वीआईपी. यार आप हमारे साथ चल रहे हैं ना तो ये एक आध नाश्ते वास्ते पे नहीं होता. कहानी नहीं रुकेगी विनीत भाई. दोबारा इंजन रिस्टार्ट करना पड़ेगा. ये तो होगा. बहुत एपिक लंच नजर आ रहे हैं. ब्रंच के बाद लंच भी हमारी कढ़ाई वढ़ाई तो आ रही है लेकिन बिस्मिल्ला करें विनीत भाई. बारबेक्यू के साथ बिस्मिल्ला करें. ये आप देखें तरह तरह के यहाँ पे बारबेक्यू रखे हुए हैं. कुछ बारबेक्यू तो हमने खा लिए थे ब्रंच में भी लेकिन ये है भाई रिब्स. ये देखो भाई ये प्लेट में पूरी की पूरी ऐसे आ जाए तो क्या क्या ही बात है. ये चेक करें साम भाई इसी में से. ये तो इधर चले जी. ये रिब्स ट्राई करते हैं सबसे पहले. बिस्मिल्लाह. इंतहाई गला वो गोश्ते बिल्कुल सॉफ्ट नरम व मुलायम. अफगानी बोटी को अफगानी पुलाव के साथ ही थोड़ा सा खाना चाहिए ना. अफगानी बोटी अफगानी पुलाव मुझे बहुत बहुत पसंद है. आपको कैसी लगी? बहुत जूसी, बहुत नमकीन होता है ना. नमकीन वाली खाने नमकीन होते हैं बिल्कुल. नमक और बस उसका टेस्ट एक आ रहा है हल्का सा. वो आ रहा है स्पाइस का लेकिन आउटस्टैंडिंग आ रहा है यार.
ओके बटर चिकन आई भाई, और यहाँ पे ये इसके ये आया बटर का सॉस। वाह जी वाह, डिफरेंट तरीके से आई है भाई बटर चिकन। हमेशा जो है ना वो करी की फॉर्म में आ जाती है बटर चिकन, लेकिन ये ओ हो अभी बच्चे बाकी है भाई। ये क्या है? ये इसके क्रीम सॉस। क्रीम सॉस, वाह बटर चिकन भाई। और बटर चिकन को ये गार्लिक नान के साथ आप खाएं। ओ ओ और ये नान तो बहुत खतरनाक है। नान ये बटर चिकन भी है, ये लेता हूँ। बहुत टेस्टी है यार, क्या टेक्सचर, क्या कलर, क्या खुशबू निकल गया है बटर कढ़ाई का भाई, जबरदस्त। धनिए और अदरक की गार्निश, खुशबू तो वहाँ की बहुत अच्छी आ रही है। बस ये दिल तोड़ने वाला है, ये आपके लिए आया था स्पेशली। शेफ ने ये दिल खास तौर पे आपको जो दिया था, उन्होंने शेफ का दिल तोड़ने वाला है। तोड़ने वाला है दिल, वो पीस हो गए वाकई में। पूरे पूरे गार्लिक इस पे लगाए गए, इसका भी जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा बेटा। इसी बात पे जरा हम थोड़ी सी कढ़ाई टेस्ट करते हैं भाई, हम तो कढ़ाई में ही खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। साम भाई कैसी है कढ़ाई बटेर की? मैं पहली दफा खा रहा हूँ, सरप्राइज हूँ इसलिए, बहुत मजे की भाई। बटेर आपको अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। यार बटेर मैंने फ्राइड खाई है, बटेर ग्रिल्ड खाई है, बटेर का सूप भी पिया है, लेकिन ये बात है कि बटेर की कढ़ाई मैंने भी नहीं खाई। अच्छा, बटेर की कढ़ाई मैंने भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। कढ़ाई का ऑथेंटिक टेस्ट। सुबह जो हमने कढ़ाई खाई थी ब्रंच में, वो जरा होम मेड कढ़ाई टाइप की थी। ये एक्चुअल कढ़ाई में जो अभी बनी है ना, ये जो शनवारी स्टाइल की कढ़ाई होती है, वही टेस्ट टमाटर मिर्चों का और बटेर का अपना जायका। यार आप दूर दूर से देख रहे हो जुनेद भाई, मेरे लिए आपके लिए जो है ना सारी चीज़ें दूर हो गई। इसका जो मसाला भी है ना खाली, वो ऐसे ही नान से, ये मसाला जो है ना ये बहुत खतरनाक हो, मज़ा आ गया। मसाला ही बहुत अलग है, पूरा बटेर है। साम भाई आप भी तो बताएं कैसा लगा आपको? सर सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। और एक चीज़ बताऊं, वीडियोग्राफर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, सब खा के फारिग हो जा चुके हैं, अब हम खाने खाने बैठे हैं। मगर खाना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मगर ठंडे होने के बावजूद भी जो उसका टेस्ट है ना वो बरकरार है, वो इधर उधर नहीं जा रहा। सही बात है। और ये भाई लेमोनेड तो आपको पता है कि ज़रूरी है जब आप इतनी सारी चीज़ें खाएं। भाई ज़िया भाई के साथ आने का सबसे बड़ा जो है नुकसान ये है कि हम सुबह से खा रहे हैं और इतना खा चुके हैं कि पेट में ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है, और ये अब आ गया है लेमोनेड। तो भाई इसकी टेक्निक होती है, आप लोग भी सवाल करते हैं ना कि भाई आप इतना खाते हैं मोटे क्यों नहीं होते, तो भाई थोड़ा 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 खाओ। तो हमारा तो जो है ना वो थोड़ा स्टमक भी माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र नहीं लगाया करें, इसके हिसाब से थोड़ा ट्यून तो ट्यून 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 नहीं ट्यून हो गया है भाई, थोड़ा ट्यून करना ज़रूरी है इधर तो भाई। और ये जो मैं मंगाता हूँ ना ये मिंट लेमिनेट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाना बहुत आला है, मिंट लेमिनेट भी शानदार है। और आप लोग भी तंदूरी बिस्ट्रो पे आइए, स्पेशली इनका ब्रंच जो है ना वो आप इन्जॉय कीजिए। इंग्लिश ब्रेकफास्ट अलग आर्ट है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। और दुबई में मैं आया था पिछली बार, तो मैं ग्लोबल विलेज गया था और वहाँ पे मैंने ऑक्टोपस ट्राई की थी, बेबी ऑक्टोपस। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा है, फौरन उसको जाके देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।